ये चेक करें, हमने दराज से कुछ ऑर्डर करा था, थंबनेल देख के तो आप लोग पहचान गए होंगे। यार असल में सर्दी का टाइम है और धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो जितने भी हजरात है ना मेरे दाढ़ी वाले, ये उनके लिए है यार, बीड मार्क्स दाढ़ी वाला। इससे क्या होगा, दाढ़ी में मिट्टी भी नहीं लगेगी और जो बाल इधर उधर हो जाते हैं यार, मिट्टी से भर जाते हैं, ये उनके लिए सेफ्टी वाला। ये पहनेंगे इसे और ये, इससे सर्दियों से कान भी ढक जाएंगे और इससे आपकी दाढ़ी भी सेफ रहेगी। ये आपके लिए गिफ्ट है, ये माशाल्लाह जितने नबी की सुन्नत सजाई हुई है ना चेहरे पे, ये उनके लिए है, बेहतरीन। भाई हम आगे जा रहे थे, मुझे नहीं बाइक के वाले बाबा नजर आ गए यार, इन लोगों का ज्यादा हक है यार, क्योंकि ये रातों को बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं। बाबा ये दाढ़ी के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है, रात को ठंड से भी बचेंगे और दाढ़ी पे आपकी मिट्टी भी नहीं लगेगी। इस काम में जो खुशी है ना, हाय हाय हाय, मैं आपको नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग, बहुत खुश नजर आ रहा हूं ना मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बात ही ऐसी है, ये चेक करें, हमने दराज से कुछ ऑर्डर करा था, थंबनेल देख के तो आप लोग पहचान गए होंगे। तो ये काफी टाइम से इंतजार था मुझे कि बस जल्दी से मेरा ऑर्डर आ जाए और मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं लोगों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जितने भी दाढ़ी वाले हैं ना, ये उनके लिए सरप्राइज है मेरी तरफ से, ठीक है। तो चलें इसको खोलते हैं और अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं ये है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार असल में सर्दी का टाइम है, ठीक है, और धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो जितने भी हजरात है ना मेरे दाढ़ी वाले, ये उनके लिए है यार। ये चेक करें, ये आपके भाई का बीड मार्क्स दाढ़ी वाला। इससे क्या होगा, दाढ़ी पे मिट्टी भी नहीं लगेगी और जो बाल इधर उधर हो जाते हैं यार, मिट्टी से भर जाते हैं, ये उनके लिए सेफ्टी वाला। बिल्कुल 0 मीटर मार्क्स मंगवाए आपके भाई ने माशाल्लाह से। ये चेक करें, ये दाढ़ी पे इंसान पहन सकता है। ये मैं अभी पहनूंगा नहीं यार, क्योंकि ये न्यू है। मैंने आपको अपना वाला मास्क दिखाया था, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। भाई जैसे ये मेरा मास्क है, ठीक है, ये चेक करें। अब इससे होता क्या है, इससे ना दाढ़ी के ऊपर मिट्टी लगती है, ना ही बाल हवा में घूमते हैं उधर, ठीक है। अब आप ये पहनेंगे इसे और ये, इससे सर्दियों से कान भी ढक जाएंगे और इससे आपकी दाढ़ी भी सेफ रहेगी। यार ये मेरे दिमाग में पता है क्यों बात आई है, मैं आपको बताता हूँ। यार मैं जब एक दफा सिग्नल पे रुका ना, तो बेचारे एक दाढ़ी वाले अंकल, माशाल्लाह से वाइट दाढ़ी, पर जब वो बाइक चला रहे थे ना, तो उनकी दाढ़ी ना इधर उधर घुंघरूलू हो गई थी बिल्कुल ना, मतलब बाल घूम गए थे मट्टी में, तो अंकल यू यू करके ना झाड़ लेते यू यू करके ना। तो मैंने सोचा, मैंने बोला अंकल ये मास्क आता है, अगर आप ये दराज से ऑर्डर करेंगे ना, तो आपको ये 350-300 रुपए का या 400 रुपए का पड़ जाएगा। तो अंकल बोले थे यार ये अच्छा आइडिया है। मैंने अंकल को अपना हेलमेट उतार के दिखाया, मैंने अंकल ये चेक करें इस तरीके का होता है। बोले यार ये तो गुड है। उस टाइम मेरे दिमाग में आया यार क्यों ना यार, अपने भाई जो है जिन्होंने नबी की सुन्नत को सजाया हुआ चेहरे पे, तो उनके लिए गिफ्ट मेरी तरफ से होना चाहिए यार। तो चले भाई आज ये रोडों पे बांटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अली ये इसमें पैक करे मेरा बेटा, और ये पूरे 10 के 10 पैकेट हम उठाएंगे। देखें हसन ने भी ले लिया। भाईजान आपकी तो दाढ़ी है नहीं अभी, तो ये आप कैसे पहनोगे? अभी छोटे हो, अभी दिखाता हूँ। ओ भैया ये नया मास्क निकाल के पहन लेगा बच्चा। नहीं 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 नहीं, अली जल्दी से रखो मेरा बेटा। अब हम चलेंगे बाहर, शाम का टाइम है, और जिनकी दाढ़ी होगी ना, जो बेचारे बाइक पे जा रहे होंगे, सफर कर रहे होंगे, उनको हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके भाई ने माइक भी लगा लिया है और मास्क भी उठा लिए। अब हम चलते हैं रोडों पे और सर्च कर देंगे इंशाल्लाह। भाई फिलहाल आप अपने दोस्त को ले लिया एक, ठीक है, साथ। ओए ओए ओए, बचत हो गई, बचत हो गई। अभी ये टिका दे रहे पार्टी, अभी तुम गेंद मारते डायरेक्ट मेरे दोस्त के मुंह पर, इसके मुंह पे 12 बज जाते। अभी फिलहाल भाई देखिए हम रोड पे निकल गए हैं, अकेले बांटना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने बोला जगह जगह बाइक रोकनी पड़ेगी, तो मैंने अपने दोस्त को साथ ले लिया। फिलहाल भाई ये बाबा जा रहे हैं लेडीज के साथ में। आगे कर, अंकल को दिखा दूंगी। ये अंकल है, इनको देंगे हम। भाई फिलहाल एक मार्क्स निकाल लिया आपके भाई ने, ठीक है, और बाबा बाइक बहुत स्पीड में भगा रहे हैं, तो बाबा को स्लो करवाना पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये गिफ्ट है हमारी तरफ से, ये मार्क्स से दाढ़ी पे। रोके एक मिनट, रोके, माजरत, मैंने आपकी बाइक रुकवाई। ये बंद करें, एक मिनट बाइक बंद करें, ये दाढ़ी पे लगाएं, ये लगा के चेक करें। ये मैं पकड़ ली रेस, आप लगा के देखें। इससे पता है क्या होगा, आपकी दाढ़ी वगैरह ना सेव हो जाएगी, मिट्टी वगैरह नहीं लगेगी। हाँ ये माशाल्लाह खाली उनके लिए जिनकी दाढ़ियाँ हैं। नहीं उल्टी उल्टे लगा रहे हैं, उल्टा लगा रहे हैं आप, सीधा लगाएं। हाँ ऐसे सीधा लगाएं। हाँ ये ना आपकी मिट्टी लगेगी और ना आपकी दाढ़ी पे होगी, आप दाढ़ी इसके अंदर कर सकते हैं। हाँ इसको नीचे कर लें। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन लग रहे हैं आप। सही है, जज़ाकअल्लाह भाई। अल्हम्दुलिल्लाह पहला मास्क बांट दिया है, अब आगे चलते हैं। एक और बंदा मिल गया है हमें, और माशाल्लाह से भाई की दाढ़ी खूबसूरत लग रही है और दाढ़ी के बाल इधर उधर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं?
ये आपके लिए गिफ्ट है। एक मिनट बाइक रोकें, साइड में रोकें। ये दाढ़ी वालों के लिए खाली। ये माशाल्लाह जितने नबी की सुन्नत सजाई हुई ना चेहरे पे, ये उनके लिए है। ये पहन के देखें आप। ये मेरे पास भी है, असल में मैंने सोचा धूल मट्टी ज्यादा होती है ना, दाढ़ी पे मट्टी नहीं लगनी चाहिए। ये चीज अब इससे पता है क्या, रात के टाइम भी अगर आप जॉब से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं ना, आप ये पहन के चलाएंगे ना, कैसी वजन बेहतरीन, दाढ़ी सेव है इससे बेहतरीन। जजाक अल्लाह भाई जान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चले भाई, भाई माशाल्लाह से दूसरा मार्क्स बांट दिया, तीसरी की बारी है। भाई मैंने अपने दोस्त को बोल दिया, एक काम करो, ये ढाई नंबर का पुल है ना, यहाँ पर रोको बाइक, आपका भाई यहीं पर पैदल बांटेगा। फिलहाल आपके भाई ने अभी एक मार्क्स निकाल लिया है, ठीक है। अब जो दाढ़ी वाले हजरात यहाँ से जा रहे होंगे ना, ये उनको देना है यार। भाई जान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं यार? ये माशाल्लाह से आपकी दाढ़ी देखी ना मैंने, जब भी मैंने आपको रोका, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, ये लगा कर देखें। असल में ना यार धूल मट्टी ज्यादा उड़ रही है, उसकी वजह से ना दाढ़ी वगैरह सेव नहीं रहती लोगों की ना, उससे क्या होता है, देखें अभी मट्टी लगी है आपके, और बाल आप माशाल्लाह से कंघा वगैरह करके निकले होंगे, वो मट्टी लग गई होगी। बेहतरीन, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सेट है। इससे आप सर्दी से भी बचेंगे और आपकी माशाल्लाह दाढ़ी भी सेव रहेगी। शुक्रिया, जजाक अल्लाह यार, माजरत रोकने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप बाइक पे सफर करते हैं? ये आप हमारी तरफ से, सही है सर, ये आप पहनेंगे ना, इससे आपकी दाढ़ी के बाल भी सेफ रहेंगे, जैसे मट्टी लगी हुई होती है ना, तो वो भी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। फिलहाल यहाँ पर हमने 3 से 4 मार्क्स बांट दिए हैं, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आगे गश्त करना चाहिए। भाई हम आगे जा रहे थे, मुझे ना बाइक के वाले बाबा नजर आ गए यार। इन लोगों का ज्यादा हक है यार, क्योंकि ये रातों को बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं। बाबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप? भाई जान पकड़ना जरा, एक निकालना मास्क, एक मास्क निकालो बाबा, ये दाढ़ी के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है। रात को ठंड से भी बचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और दाढ़ी पे आपकी मट्टी भी नहीं लगेगी। जिसने माशाल्लाह नबी की सुन्नत सजाई हुई ना चेहरे पे, ये खाली उनके लिए, आप पहन के देखें। असल में आप लोग रात को मेहनत कर रहे होते ना यार, बाइक के चला रहे होते, धूल मट्टी लगती दाढ़ी पे, आप पहने ये माशाल्लाह, देखें बेहतरीन हो गया ये, कैसा जबरदस्त ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इस काम में जो खुशी है ना, हाय हाय हाय, मैं आपको नहीं बता सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक और भाई मिल गए, ये जा रहे, पर वो बाइक भगाए जा रहे हैं, हमें पकड़ने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है। भाई जान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये भाई की दाढ़ी है, 2 मिनट बाइक रोकेंगे सर। ये जिनकी दाढ़ी है ना, हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं, ये खोल के देखेंगे क्या है ये। और यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, पहन कर दिखाएं। सॉरी 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 भाई, बहुत बहुत माजरा, गलती से लग गया, मैं बाइक से उतर रहा था, मेरा पाँव लग गया बाइक। सर अगर पहन के दिखाएंगे तो बड़ी खुशी होगी। देखें मकसद पता है क्या देने का, हेलमेट से ना आपका फेस वगैरह तो कवर हो जाएगा, ये जो दाढ़ी है ना, ये थोड़ी बाहर आती है ना, मट्टी लगती है यार। मैंने खुद भी फील करा है, क्योंकि मेरी भी दाढ़ी है ना, इससे मैंने ये फील करा है कि दाढ़ी के ऊपर ये लगना चाहिए। अगर ये मास्क होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपकी दाढ़ी भी सेफ रहेगी। सेट है ना बॉस, सर्दी से आपके कान भी ढके रहेंगे। अब जैसे बंदा जॉब पे से आता है तो ये पहन सकता है, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह भाई का, मैंने टाइम लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मस्जिद के इमाम वगैरह लग रहे हैं, इनको भी हम देंगे अभी मास्क ना, वो आगे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, 2 मिनट बाइक रोकेंगे, कुछ गिफ्ट है आपके लिए, 2 मिनट। अरे सर डरे मत, मोबाइल नहीं छीनेंगे भाई, समझ रहे, मोबाइल छीन लेंगे हम, ऐसा नहीं है। ये दाढ़ी के लिए, जिन हजरात की दाढ़ी है ना, ये उनके लिए मास्क है, न्यू ऑर्डर करे मैंने, आप ये पहन के देखें, आपसे इसकी दाढ़ी ना मट्टी नहीं लगेगी। इससे आपके सर्दी में कान भी ढके रहेंगे, नाक भी सेफ रहेगी, और माशाल्लाह से दाढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी चीज है ये, जबरदस्त है ना। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, आपने बाइक रोकी मेरे लिए, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से एक चीज बचा है, और वो मैं दूंगा मस्जिद के इमाम को, क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, बात भाई ये जो आप मास्क लगाते हैं ना, मुझे एक चाहिए, तो ये आखिरी लास्ट में उन्हीं को दूंगा। भाई अभी आपके भाई के पास टोटल 3 मास्क के, 2 मैंने बांटने हैं और 1 मैंने देना है इमाम साहब को, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अभी रोडों पे गश्त चल रही है, एक भाई को मैंने आवाज दी है पर वो रुक नहीं रहे, वो तेज भगाए जा रहे हैं, उन्होंने हाफ मास्क लगाया जिससे दाढ़ी के ना बाल टेढ़े हो रहे हैं। बाबा को मैंने बहुत सारी आवाजें दे दी पर बाबा मान नहीं रहे, और बाबा भागे जा रहे हैं आगे से आगे। बाबा नहीं यार, शान लेने दे,
वो डर रहे हैं, आप समझ रहे हो कि मोबाइल छीनने वाले आ गए। भाई एक भाईजान मुझे नजर आए तो मुझे पैदल जाना पड़ रहा है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाईजान 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 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? सर गाड़ी साइड में करिएगा। सर जिन भाइयों की दाढ़ी है ना, नबी की सुन्नत जिन्होंने चेहरे पर सजाई हुई, ये उनके लिए खोल के देखें। ये बड़े काम की चीज़ है, ये पहन के देखें, न्यू है ये, ब्रांडेड न्यू, ये मट्टी लगी नहीं सकती आपकी दाढ़ी को। अब इसको माशाल्लाह से नीचे कर लें, सेव हो गई अभी। कैसी चीज़ है, ज़बरदस्त है ना? थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। मैंने एक और भाई को रोक लिया है यहाँ पर, ये देखें भाई, भाटी दो मिनट साइड में लगाओगे? हाय हाय, ये मोहब्बत है लोगों की, यकीन करें आपके भाई के कहने पे लोग बाइक रोक रहे हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपके लिए तोहफा है, ये खोल के तो देखो भाई। अब भाई से लेंगे इसका रिव्यू कि ये चीज़ कैसी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब लोगों को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ये पहन के देखें, ये तो आपकी दाढ़ी असल में बाहर हवा से उड़ लेना, बाल मट्टी वगैरह लग रही है, वो नहीं लगेगी इसके ऊपर। कैसी है दाढ़ी, सेव हो गई आपकी माशाल्लाह से? कैसी चीज़ है, ज़बरदस्त है ना? थैंक यू सो मच। जिन्होंने नबी की सुन्नत चेहरे पे सजाई हुई है, इससे रिस्पेक्ट है उसकी। भाई अब ना आखिरी मार्क्स बचा है, और मैं जाकर ना जो मस्जिद के खादिम है ना कामरन भाई, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि फाद भाई एक मुझे भी चाहिए, तो अभी जाकर हम उनको देंगे, ठीक है भाई। फाइनली आखिरी मार्क्स लेकर मैं पहुंच गया हूँ कामरन भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर यकीन करें सब बांटता आ गया, मैंने आपके लिए ये गिफ्ट रखा साइड में, मैंने कही कामरन भाई के लिए। और भाई अगर मैं कामरन भाई की बात बताता चलूँ ना, माशाल्लाह से कामरन भाई के सफ़र भी बड़े लंबे लंबे हैं भाई, कोरंगी से बोल्टन मार्केट, बोल्टन मार्केट से टावर, तो ये दाढ़ी मुबारक ना इनकी थोड़ी मिट्टी वगैरह लग जाती है। क्या बोलते हैं कामरन भाई, ये खोल के देखें। अच्छा कामरन भाई क्या बोलेंगे, बेस्ट चीज़ है ना ये, बहुत बेहतरीन है। आपने पहना हुआ था, मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था ना, मैंने बोला था कामरन भाई के लिए मैंने संभाल के रख दिया है ये एक। ये ब्रांड न्यू है, मैंने ना एक बार भी पहन के नहीं देखा भाई, सीधी बात है, क्योंकि मैंने पहले पहन के देखे हैं। जाहिर सी बात है जो बंदा यूज करे उसके पास न्यू आना चाहिए। ये चेक करें, पहन के दिखाएं कामरन भाई। मुझे तो बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी, मैंने बोला यार सबको देनी चाहिए, ज़बरदस्त है ना। ये देखें ना माशाल्लाह से दाढ़ी पे मट्टी वगैरह ही नहीं लगेगी। हम यार अपने फेस को बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं, है ना, अपने फेस की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अच्छे अच्छे फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो भाई मैंने सोचा कि यार दाढ़ी के लिए भी कुछ होना चाहिए, और ये मास्क मैं बोलता हूँ बेस्ट है यार, ठीक है दाढ़ी के लिए। और लास्ट है कामरन भाई को भी दे दिया है। तो चले भाई इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करूँगा, उम्मीद है आपको भाई की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका भाई ना ऐसी छोटी छोटी सोच रख के दिल में ना गुजर रहा होता है, जो लाइफ की रियलिटी थी उनको देख रहा होता हूँ मैं, फिर उसके लिए कोई कदम उठा लेता हूँ। तो आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, तो जाते जाते आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो मिल सके। इजाज़त दें भाई को, अल्लाह हाफिज़।